बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट में क्या लेकर आए हैं? ये है आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट में ध्वनि और वर्ण पहचान। और ये आपको कौन सी बुक में मिलेगी? ये हमारी बुक है लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी। ओके, सभी को दिखाई दे रही है लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी में पेज नंबर कौन सा है? 41। 41 में क्या दिया हुआ है? ध्वनि और वर्ण पहचान और अक्षर है हमारा छत्री का। ओके, तो ये हम आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं। ओके, तो हिंदी सब्जेक्ट में देखिए बोर्ड में कि हिंदी में आज हमारा क्लास वर्क में ध्वनि और वर्ण पहचान, अक्षर है हमारा छ। कौन सा वर्ड लिया है हमने इसके लिए? छ। ओके, ये है छ। समझ में आया सभी को? तो इसमें हमें क्या बताना है कि छ को हम कैसे लिखते हैं, छ कैसा होता है और छ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, वो हम आपको पिक्चर के थ्रू बताएंगे। देखिए, छ को हमने कैसे लिखा? छ को हम टू लाइन की कॉपी में, हमारे जो हिंदी की कॉपी होती है वो कैसी होती है? टू लाइन की कॉपी होती है। समझ में आया सभी को? तो छ को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। ये है इस प्रकार से हम छ को अपने टू लाइन की कॉपी में ऐसे लिखेंगे। समझ में आया सभी को? ये इस प्रकार से छ को हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब ये बताइए कि छ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, कौन कौन से शब्द बनते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि छ से क्या बनेगा? छत्री का बनता है। छत्री का सभी को बोर्ड में छत्री दिखाई दे रही है। ये क्या दिखाई दे रही है? छत्री का दिख रही है छत्री, जिसको हम कब यूज करते हैं? जब बारिश आती है तो बारिश के दिन में हम उसको पकड़ के रखते हैं और हम बारिश से बचते हैं। सभी को मालूम है ना? तो ये छत्री कौन सी है? ये छत्री का। समझ में आया सभी को? ये देखिए बुक में भी दिखा हुआ है, ये बना हुआ है बुक में छतरी, सबको दिखाई दे रही है बुक में, ठीक। ये छतरी का। दूसरा देखिए छत्ता। छत्ता मतलब जो मधुमक्खियों का जो छाता होता है उसको बोलते हैं छत्ता। और ये कहाँ बना हुआ है? ये देखिए, तो इस बुक में हमने जो बना हुआ है वही बोर्ड में भी इसको हमने ड्रॉ किया है। ये क्या लिखा हुआ है? छत्ता। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है बच्चों? ये है छलनी। छलनी मीन्स क्या होता है? जिससे हम क्या छानते हैं? चाय, है ना? ये दिख रहा है छलनी का, ये बोर्ड में भी दिख रहा है और यहाँ बुक में भी देखिए, ये है बुक में भी छलनी का। ओके, एंड छ से और क्या बनेगा? छ से बनेगा छत। ये दिखाई दे रहा है, ये है छत। तो छत कौन सी बताइए? यहाँ पर जो घर है, ये जो मकान घर दिखा है, इसमें छत कौन सी है? ये छत है हमारी ये वाली, ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? ये छत। सभी को समझ में आ रहा है ये कौन सा पार्ट है? छत है। अब हम इसको थोड़ा बहुत कलर कर देते हैं, है ना? जैसे हमने छतरी को क्या किया है? कलर कर चुके हैं। छत्ता को भी हमने कलर कर दिया, पर हमने छतरी को कलर नहीं किया है। तो चलिए हम इसको छतरी को क्या कर रहे हैं? कलर। इस प्रकार से हमने कलर कर दिया और हमने ये कौन सा कलर लिया हुआ है? ये कलर है ऑरेंज कलर। सभी को दिखाई दे रहा है? यस। अब कौन सा कलर लेंगे? अब हम उसको छत्ता को भी कर चुके हैं, छतरी को भी कर चुके हैं और छलनी को भी। अब हम किसे करेंगे? अब हम इस छत को करेंगे। ओके, और इसे भी हमने कौन से कलर से कलर किया है? ये है हमारा ऑरेंज कलर। सभी को दिखाई दे रहा है? और ये है हमारा ब्लू कलर। समझ में आया? इस प्रकार से इस घर को हमने क्या किया? कलर। ओके,
हमने जो छह सब अक्षर को लिया है उसे हमने आपको ये लिख करके टू लाइन कॉपी में दिखाया एंड छह से बनने वाले जो शब्द हैं जैसे कि छतरी, इसे हमने पिक्चराइज किया है। छत्ता कैसा होता है ये हमने छत्ता को आपको दिखा दिया। छलनी, ये छलनी बनी हुई है एंड छत, इस मकान में छत लगी हुई है। इस प्रकार से छह से और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो ये शब्द हमने आपको कम से कम इतने 4 शब्द हैं ये जो बुक में दिया हुआ है आप लोग बुक में भी ध्यान से देख सकते हैं पेज नंबर 41 में। ओके, अब बताइए बच्चों कि छ को कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करके दिखा देते हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा है सभी को, इस प्रकार से ऐसे करके इसे ऐसे लिखना है। आया सभी को समझ में? यस। अब इसके लिए हम आपको क्या देंगे, ये तो हमारा आज का क्या रहा क्लास वर्क, हमें क्या करना है होमवर्क। होमवर्क में क्या रहेगा, होमवर्क में आज जो हमने आपको छ अक्षर लिख के बताया उसकी आपको क्या करना है प्रैक्टिस, देख कर लिखना है, देख कर लिखिए। देख कर क्या लिखना है, क्या देख कर लिखना है, देखिए ये जो छ शब्द अक्षर है इसको आप अपने टू लाइन की कॉपी में 5 टाइम्स इसको नोट करना है। ओके, आपके पास जो हिंदी की जो बुक कॉपी होती है नोट बुक, उसका जो एक पेज होगा उस एक पेज में इस छा छत्री को, ये जो छा लिखा हुआ है इस सब अक्षर को आपको पूरी कॉपी के पेज में 1 पेज में 5 टाइम्स इसको नोट करना है और नोट करने के बाद आप हमें सेंड करेंगे। ओके, समझ में आया सभी को ये वाला वर्क आज का? बस तो इसको आप लोग क्या करेंगे, हमें सेंड करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़िए, घर में रह करके भी आप लोगों को मेहनत करना है, पढ़ाई करना है और डेली हमें सेंड करना है। ओके, थैंक यू।